गुड मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन की पाठशाला डीसी रामगढ़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 के लिए विषय विज्ञान पाठ का नाम है उष्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा विकिरण विधि द्वारा उष्मा का संचरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा है कि उष्मा का संचार या उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से हो सकता है, जो कि ठोस में होता है, ठोस वस्तुओं में। सामान्य विधि द्वारा हो सकता है, जो द्रव एवं गैस में होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि तीसरी विधि जो है विकिरण विधि क्या है, उससे किस प्रकार उष्मा का संचार होता है। तो आप सभी सोलर प्लेट या सोलर गीजर या सोलर कुकर, इनमें से किसी न किसी चीज को जरूर देखा होगा। सोलर प्लेट में यह खासियत होती है कि इसको उसके द्वारा बिजली बन जाती है, उससे आपका पानी का पंप भी चलता है। सोलर गीजर से पानी गर्म हो जाता है, सोलर कुकर से खाना पक जाता है बिना आग के। तो इन सबको गर्मी कहाँ से मिलती है? सबको गर्मी सूर्य द्वारा मिलती है, और हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर अधिक दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, और पृथ्वी से सूर्य के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर हवा है, लेकिन वह कुछ ही दूर तक है, उसके बाद हवा भी नहीं है। जबकि चालन विधि या संवहन विधि, दोनों विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी माध्यम के द्वारा उष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। लेकिन सूरज और पृथ्वी के बीच में तो कोई माध्यम ही नहीं है, फिर सूरज की गर्मी पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो उसका एकमात्र तरीका विकिरण है। विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की गर्मी हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी विकिरण विधि द्वारा उष्मा का संचार का होना अनुभव करते हैं। जैसे ठंड के मौसम में हम लोग देखते हैं कि आग जलाने के बाद आग से कुछ दूरी पे हम होते हैं या हीटर से कुछ दूरी पे होते हैं, फिर भी हमें उसकी गर्मी महसूस होती है। यह गर्मी आग से या हीटर से हमारे शरीर तक कैसे पहुंच रही है? तो यह विकिरण विधि द्वारा ही पहुंच रही है। वास्तव में कोई भी गर्म वस्तु या पिंड हर समय उष्मा का विकिरण करते रहते हैं, उष्मा वहां से निकलते रहता है और दूर तक जाता रहता है। उष्मा का यह विकिरण जब किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो दो चीजें होती हैं, या तो उष्मा का कुछ भाग वहां से परावर्तित हो जाती है यानी वहां से लौट जाती है, या कुछ भाग उसके अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, यानी दोनों चीज होता है। कुछ भाग परावर्तित हो जाते हैं उष्मा का कुछ भाग, और कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। उष्मा की जितनी मात्रा उस वस्तु के द्वारा अवशोषित की जाती है, उसी से वह वस्तु गर्म होता है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई वस्तु क्यों ज्यादा गर्म हो जाता है, कोई वस्तु कम गर्म होता है। जैसे ठंड के मौसम में हम लोग गहरे रंग का कपड़ा पहनते हैं, उससे क्या होता है, उष्मा का विकिरण जो हमारे कपड़े पर पड़ता है उसका अधिकांश भाग अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें अधिक गर्मी मिलती है। और सफेद रंग जो है उष्मा के विकिरण को परावर्तित कर देता है। तो सफेद रंग का वस्त्र यदि हम पहनेंगे तो हमारे शरीर को कम उष्मा मिलेगी, सूर्य से आने वाली उष्मा।
दूसरा चीज होता है उसकी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है कि वस्तु किस प्रकार का है। चिकनी वस्तुएं ज्यादा उष्मा का ज्यादा भाग को परावर्तित कर देती है यानी कम अवशोषित कर पाती है उष्मा को, इसलिए चिकनी वस्तुएं थोड़ा देर से गर्म होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उष्मा से कोई वस्तु कैसे गर्म होती है और कोई वस्तु ठंडी क्यों हो जाती है। ठंडी होती है क्योंकि उससे उष्मा का विकिरण होते रहता है, मतलब निकलते रहता है, वहां से बाहर निकल जाता है, और उष्मा जब अवशोषित होता है तो वह वस्तु गर्म हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उष्मा का परावर्तन एवं अवशोषण वस्तुओं के रंग एवं प्रकृति पर भी निर्भर करता है और वस्तुएं विकिरण के द्वारा गर्म भी होती है। सूर्य से आने वाली गर्मी इसी प्रकार से पृथ्वी एवं पृथ्वी के अन्य वस्तुओं को गर्म कर पाती है।